नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव शक्ति एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमें लाइट शेड में चेक्स लेके आइए और जो किसी ब्रांड को रेप्लिका देते हो। तो आज हम आपके पास, ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है बट समहाउ ये जैक एंड जॉन्स के चेक्स से डिजाइन मैच करता है, जैसे वो ब्लॉक प्रिंट्स बनाते हैं प्लस लाइनिंग्स बनाते हैं, तो ये जैक एंड जॉन्स की ब्रांड को रेप्लिका करता है पूरा पूरा। नॉट एग्जैक्टली बट अगर आप इसको समाव देखेंगे तो ये जैक एंड जॉन्स को रेप्लीकेट करता है ये फैब्रिक। सो गाइज, ये फैब्रिक जो है वो है 12 बेस में एंड इसका प्राइस भी है 105। अब मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखा देती हूँ, पास से आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके का ये फैब्रिक रहने वाला है। सो गाइज, ये देखिए इस तरीके से हम लोग फोल्ड इसको ओपन करते हैं एंड अब आपको दिखा देती हूँ ब्लू शेड में इसका फैब्रिक। सो ये इसकी बैक है, इस तरीके से इसकी बैग आएगी एंड ये इसका फ्रंट है। कलर इंग्लिश कलर है बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया जैक एंड जॉन्स, तो ऑब्वियसली ये उसी के कलर्स को पूरा पूरा मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसका पैटर्न है, किस तरीके से कितना अच्छा फैब्रिक क्वालिटी है इसका। अगर मैं वाइट पे हाथ रख के दिखाती हूँ आपको तो आप देख सकते हैं इस साइड, और बिल्कुल पास से मैं आपको फैब्रिक की क्वालिटी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इस पर लाइनिंग आ रही है। ये देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइनिंग हट जाएगी। मैं आपको इसको ऐसे भी करके दिखा देती हूँ पूरा। तो गाइज ये देखिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे के वैसे रहने वाली है। कोई ऐसा नहीं है कि वन वॉश टू वॉश के बाद आपका पूरा कपड़ा फेड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। माइनर ये होते हैं लेकिन इस कलर्स में तो आपके कुछ नहीं निकलेंगे। कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो, फॉर एग्जाम्पल पर्पल कलर होता है, रॉयल ब्लू कलर होता है, नेवी ब्लू कलर होता है, वो कलर फर्स्ट एंड सेकेंड वॉश में छोड़ता ही है, बट वो भी बिल्कुल फेड नहीं होता। वो तो ऑब्वियस से कलर है बिकॉज वो डाइट में मिलू के एक कलर बनता है, तो इसकी वजह से वो कलर छोड़ता ही है। अब मैं आपको इसका बेज कलर दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना प्यारा कलर है, मतलब बहुत ही सुंदर कलर है ये। आप देख सकते हो कितनी प्यारी इसकी फिनिश है, कपड़े की भी बहुत प्यारी फिनिश है। और इसमें ये वाला कलर भी आप देख लीजिए, इसको हम इंग्लिश ग्रीन कलर बोलते हैं। ना ही तो ये लाइट ग्रीन में आता है, ना ही ये डार्क ग्रीन में आता है, ना ही ऑलिव ग्रीन में आता है, ये इंग्लिश कलर है। जो इसमें ये और ये दोनों ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये पूरा इंग्लिश कलर होता है। एंड ये हाई एंड ब्रांड्स में ही आपको ऐसे कलर्स मिलेंगे, आपको लोकल ब्रांड्स में ऐसे कलर्स नहीं मिलेंगे। जितनी भी हाई एंड ब्रांड्स होगी ना उसी में आपको ऐसा लाइट शेड्स के कलर दिखेंगे। सो गाइज, ये जैसे इसका अगर आप फॉर एग्जाम्पल हमसे सैंपल के लिए मंगवाते हैं 10-10 मीटर, प्लीज एक एक मीटर के लिए आप हमें कॉल ना करें, बिकॉज ना एक एक मीटर हमारे लिए पॉसिबल, 10 मीटर भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, अगर हम आपको एवरेज बता रहे थे कि 50 मीटर में आप डिवाइड बाय 1.2, एक बंदा जब हमसे शर्ट लेता है ना तो वो ये सोच के लेता है 50 मीटर का थान कि हाँ यार इसमें मेरे को 42 पीसेस मिल जाएंगे, बट 50 में से भी हम आप लोगों को 10 मीटर दे रहे हैं और उसके बाद हमारे पास बचते हैं 40 डिवाइड बाय 1.2, इसमें देखिए 33 पीसेस निकल रहे हैं। तो हर कोई चाहता है कि हमें 40 से ऊपर, 40 से 50 से ऊपर एक कलर में एटलीस्ट पीसेस मिले जो होलसेलर्स होते हैं, बट इसकी वजह से ना हमारा निकल नहीं पाता है। बट कोई बात नहीं, अब हम लोगों ने आप लोगों से बोला है कि आप 10 मीटर सैंपल के लिए मंगवा सकते हैं, तो इतना तो हम लोग भी कॉपरेट करते हैं। और ये माल हमारे स्टॉक में रहता है तो हम उनको एड ऑन करके दे देते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे लोकलाइज है वो 50 मीटर तो नहीं लेते, वो 100-150 मीटर एक ही कलर में लेते हैं, तो उनका तो होता है, बट इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए पॉसिबल वे में रखा है कि आपको एटलीस्ट 10 मीटर तो लेना पड़ेगा। एंड 10 मीटर भी मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में बताई थी कि हम कैसे देते हैं आपको, जैसे ये देखिए, ये इस तरीके से ना इसका फोल्ड हो रखा है कपड़ा, ठीक है, ये पूरा ऐसा फोल्ड हो रखा है। तो हम इसको यहाँ से गिनते हैं, ये जो आप इसकी फोल्ड देख रहे हैं ऐसे, ये ऐसे 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर, इस तरीके से हम लोग इसको काउंट करते हैं और जो भी आपका मीटर निकलता है 10 मीटर के हिसाब से वो हम आपको कट करके दे देते हैं। और ये जीएसटी के बिना आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, तो प्लीज आपका अगर जीएसटी नहीं है तो आप हमसे, आप किसी और जीएसटी पे अपना बिल मंगवा सकते हो, प्लस आपको ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी देने होंगे जो भी इसका दिल्ली टू जो भी एक्स वाई जेड जगह में आप रहते हैं वहां तक पहुंचाने में जो भी लगेगा वो सब कुछ आपका ही रहेगा। और मिनिमम क्वांटिटी आप 10 मीटर मंगा सकते हैं। वैसे तो मैं आपको कहूंगी कि आप बेफिक्र होके हमसे 50 से 60 मीटर ईच कलर्स में आप मंगवा सकते हैं। अगर आपको कुछ 1-2% कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी कमी लगती है, हमारा कपड़ा आप हमारे को वापस कर दीजिए, हम आपको आपके पैसे पूरे के पूरे रिटर्न कर देंगे। ट्रांसपोर्ट के चार्जेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो आपको पता है कि ट्रैवल चार्जेस जो लगते हैं वो तो लगते ही है,
तो अब आपसे इतनी बड़ी क्या बात बोलेंगे, आप मान लीजिए पूरे के पूरे पैसे वापस लीजिए अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो। वैसे ऐसा होगा नहीं। सो गाइज आई होप कि आपको जैक एंड जॉन्स का प्रिंट चेक कॉपी आपको पसंद आया हो। इफ सो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रिंट्स को, अच्छे अच्छे चेक्स को और अलग अलग वैरायटीज को देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।